चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। कबाड़ में कोरोना का जांच किट मिलने पर उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने गो संरक्षण के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस की गौशाला योजना उद्योगपतियों के व्यापार के लिए बनाई गई थी। दिग्विजय के बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को चंदा यात्रा कहने पर सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह उस राजनीति दल के सदस्य हैं जिन्होंने जनता का दोहन किया है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की रीति नीति है। देखिए, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, पूरी तरह जांच होगी। जो भी तथ्य है वो जांच के बाद ही पता लगेंगे। यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी पता लगेगी और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। गाय हमारी पुरातन परंपरा और हमारी संस्कृति की परिचायक है। गो संरक्षण, गो संवर्धन, ये हम सबका कर्तव्य है। और हमारी सरकार ने लगातार गो रक्षा के लिए, गो संवर्धन के लिए, गो संरक्षण के लिए काम किया है। ये कांग्रेस है जिसने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, पर कमलनाथ जी ने गाय पालन को भी बड़े बड़े सेठों का धंधा बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने गौशाला बनाने की बात तो की, पर वो गौशाला केवल उद्योगपतियों की बिजनेस मॉड्यूल पर बनाई जाने वाली गौशाला का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। जो देखिए, मैंने कल भी कहा था, दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ हो या कांग्रेस का और कोई भी नेता हो, उन्हें जनता के आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उसके सदस्य हैं, जिसने सत्ता में आकर केवल जनता का दोहन किया। जनता से आशीर्वाद लेना ये तो उनके कंसेप्ट में कहीं है ही नहीं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान ना दें। बिना आंकड़ों, बिना तथ्य के बयान देना और ट्वीट करना ही उनकी आदत है। लिए भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, यही कांग्रेस की रीति और नीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई शपथ लेने के बाद जनता के बीच जाएगा, ये उनके उनको पछता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। हम यदि सरकार में हैं तो हम कटिबद्ध हैं जनता के कल्याण के लिए।